जय हिंद, नमस्कार। राजस्थान के जयपुर में आज रात से अग्निवीरों के लिए सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। भर्ती की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज देर रात से युवाओं को एंट्री दी जाएगी और उसके बाद उन युवाओं की दौड़ शुरू होगी। देखिए साथियों, इस भर्ती के बारे में आपको और अधिक जानकारी भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक दूसरी बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे। दरअसल खबर यह है कि UHQ यानी यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती को लेकर एक नोटिफिकेशन सामने आया है। यह नोटिफिकेशन 24 सितंबर को जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 1 से 5 नवंबर के बीच सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर रेगुलर कैडर की भर्ती होगी। यह भर्ती साल 2022-23 के लिए निकाली गई है, जिसमें सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो, विडो एंड रियल ब्रदर ऑफ सर्विंग पर्सनल एक्स सर्विसमैन एंड सन ब्रदर ऑफ DSC पर्सनल, यानी फौजी के जो रिलेशन भर्ती होती है, फौजी के बच्चों के लिए, उनके भाइयों के लिए, युद्ध विधवा, विधवाओं के बच्चों के लिए रेगुलर कैडर की यह भर्ती कराई जानी है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन सभी अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन के लिए इन तमाम दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी इस मेल आईडी पर 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक भेजने की बात कही गई है। इस नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है वो ये है कि भर्ती के लिए उम्र सीमा 17.5 से लेकर 25 साल की गई है। देखिए साथियों, अच्छी बात है कि उम्र सीमा जो युवाओं की मांग थी कि सभी को 2 साल उम्र में छूट दी जाए, तो यहाँ पर NA वालों को भी 2 साल उम्र में छूट दी गई है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से उन युवाओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि NA भर्ती को लेकर अभी तक किसी भी भर्ती के नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कुछ कहा गया है, बताया गया है कि NA की भर्ती होगी, नहीं होगी या कब होगी। इसको लेकर लगातार युवाओं के हमारे पास में मैसेजेस और कॉल भी आ रहे हैं, लेकिन अब इसको लेकर एक तस्वीर साफ होने जा रही है। आपको जो खबर हम इस वक्त बता रहे हैं, नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से युवाओं का सवाल यह भी है कि क्या सर NA की भर्ती सिर्फ रिलेशन वालों के लिए ही होगी, ओपन भर्ती रैली में NA की वैकेंसी नहीं आएंगी। वहीं युवाओं का सवाल यह भी है कि जब NA की भर्ती में उम्र सीमा 25 साल की गई है, तो फिर सभी ओपन सेना भर्ती रैलियां जो अभी चल रही हैं उनमें ट्रेडमैन, टेक्निकल और क्लर्क के पदों के लिए उम्र सीमा 25 साल क्यों नहीं की गई, इन भर्तियों में युवाओं को उम्र में 2 साल छूट क्यों नहीं दी गई। देखिए साथियों, NA की वैकेंसी खुली ओपन सेना भर्ती रैली में आएंगी, नहीं आएंगी, कब आएंगी, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर अभी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जैसे ही हमें इसको लेकर अधिक जानकारी मिलेगी तो आपको उसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर है कि NA भर्ती में रेगुलर कैडर की भर्ती होने जा रही है, यानी पहले की तरह परमानेंट भर्ती होगी, 4 साल के लिए यह नहीं है। साथियों, रिलेशन की भर्ती में NA की वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन ओपन सेना भर्ती रैली में नहीं निकाली गई है। रिलेशन NA की भर्ती में उम्र सीमा में छूट दी गई है, जबकि ओपन सेना भर्ती रैली में क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन में उम्र सीमा में छूट नहीं दी गई है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।